स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकेशन से। पोको एफ फोन में आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल रियर कैमरा विद द F1.9 अपर्चर और 5 मेगापिक्सल सेकेंडरी कैमरा। और जहां तक फ्रंट कैमरा का सवाल, यहां पर आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा विद अपर्चर F2.0। अगर Realme 2 Pro देखा जाए, यहाँ पर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा विद एपर्चर F1.7। उसके साथ आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा विद एपर्चर F2.4। और फ्रंट में आपको दिया गया है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा विद एपर्चर F2.0। माँ दुर्गा का फोटो है, जैसे आप देख पा रहे हो Realme 2 Pro का फोटो थोड़ा डल लग रहा है, जहां पर पोको एफ फोन में आपको थोड़ा बहुत नेचुरल कलर्स के साथ क्लियर फोटो मिलता है। मैं जल्दी से जूम करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो पोको एफ फोन का जो फोटो क्लैरिटी है काफी बढ़िया इन कम्पेयर टू Realme 2 Pro। इस फोटो में जैसे आप देख पा रहे हो Realme 2 Pro में आपको जो कलर्स मिलता है वो थोड़ा बहुत डार्किश कलर है, जहां पर पोको एफ फोन में काफी नेचुरल कलर्स मिलता है। अभी जूम करके मैं इस मॉडल के ऊपर आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर मॉडल का जो मतलब क्लोथ का जो कलर है वो काफी नेचुरल यहाँ पर आया है, जहां पर Realme 2 Pro में थोड़ा बहुत डल मुझे लग रहा है, थोड़ा ब्लैकिश काइंड ऑफ फोटो आया है। तो इसका फोटो डेफिनेटली पोको एफ फोन का बेटर आया है। देखो ये वाला एक मैक्रो शॉट है जहां पर दोनों फोटो काफी बढ़िया है, लेकिन अगर मैं आपको नजदीक से दिखाऊं पोको एफ फोन में आपको काफी नेचुरल कलर्स देखने को मिलता है, लेकिन Realme 2 Pro का जो फोटो है वो थोड़ा हल्का सा ब्लूइश है। जी हाँ, हल्का सा ब्लूइश है, बट मार्जिनल डिफरेंस है। दोनों का फोटो इसमें काफी बढ़िया आया है। ये वाला जैसे फोटो देख पा रहे हो दोनों फोटो काफी बढ़िया है। टैक्सी का जो कलर है वो भी काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। अभी मैं जल्दी से आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो जूम करने के बाद भी दोनों का फोटो क्लैरिटी काफी सही है। पोको एफ फोन का थोड़ा सा बेटर है इन कम्पेयर टू Realme 2 Pro। ये वाला फोटो जैसे आप साइड बाय साइड देख पा रहे हो, यहाँ पर मुझे लगता है Realme 2 का जो फोटो का कलर है वो थोड़ा बहुत नेचुरल है, जहां पर हल्का सा येलो सा टिंट नजर में आता है पोको एफ फोन के फोटो में। ये झरने का फोटो, ये दोनों फोटो काफी बढ़िया है, तो दोनों में आपको कलर रिप्रोडक्शन काफी बढ़िया देखने को मिलता है। खाली हल्का सा कलर सैचुरेशन थोड़ा सा कम है Realme 2 Pro में, जहां पर आपको पोको एफ फोन का कलर सैचुरेशन थोड़ा सा ज्यादा है, मार्जिनल डिफरेंस है, लेकिन दोनों का फोटो काफी बढ़िया है। ये वाला जैसे फोटो देख पा रहे हो बहुत सारे लाइट्स और काफी कलरफुल स्टैचूज है, यहाँ पर दोनों का फोटो मुझे काफी बढ़िया लगा, कलर रिप्रोडक्शन भी दोनों का काफी बढ़िया है। और जैसे जूम करके मैं अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे लगता है Realme 2 Pro का फोटो क्लैरिटी थोड़ा बेटर आया है इन कम्पेयर टू पोको एफ वन। ये जो शॉट है ये पोर्ट्रेट मोड में लिया गया है दोनों के रियर कैमरा से, दोनों में आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है जैसे आपको पता है। और ये दोनों में से मुझे पोको एफ फोन का फोटो काफ़ी बेटर लगा, जहां पर आपको एक्सपोजर लेवल और कलर करेक्शन काफ़ी बढ़िया है, दोनों का आपका बोके फिट काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है पोको एफ फोन का जो पिक्चर क्लैरिटी है वो काफ़ी बेहतर है Realme 2 Pro से। ये वाला आपका दूसरा फोटो है जहां पर पोको एफ फोन का फोटो मुझे काफी बढ़िया लगा इन कम्पेयर टू Realme 2 Pro, जहां पर पोको एफ फोन में काफी नेचुरल कलर्स के साथ बहुत बढ़िया ब्लर इफेक्ट्स का फोटो आया है, वहीं पर Realme 2 का जो फोटो है थोड़ा फीका फीका लग रहा है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्चुअली, नो डाउट पोको एफ फोन में आपका फोटो काफी बढ़िया लग रहा है काफी नेचुरल कलर्स के साथ। Realme 2 Pro का भी फोटो अच्छा है, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ जो कलर करेक्शन या फिर जो आपका प्रेजेंटेशन जो होता है वो समहाउ कहीं पर मिसिंग है इस फोटो में। मतलब मुझे लगता है फोटो प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत अपग्रेड होने से ये वाला फोटो और बेहतर निकल के आ सकता है। एंड दिस इज अनदर एग्जाम्पल, दोनों फोटो काफी बढ़िया है, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखा जाए नो डाउट पोको एफ फोन का फोटो काफी बढ़िया लग रहा है इन कम्पेयर टू Realme 2 Pro। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रियर कैमरा सैंपल और दोनों से मैं अभी रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ विच इज अ फुल एचडी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं चलते चलते वीडियो ले रहा हूँ, तब आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट स्टेबलाइजेशन आपको कितना अच्छा मिलता है। और अगर मैं थोड़ा बहुत दौड़ते दौड़ते वीडियो लेता हूँ तो इस प्रकार का आपका वीडियो आएगा। तो यू वुड बी द बेटर पर्सन टू जज। और जहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो वीडियो क्वालिटी लुक्स प्रीटी क्रिस्प एंड शार्प, और उसके साथ साथ साउंड जो रिकॉर्डिंग हो रहा है विच इज फ्रॉम द इंटरनल माइक्रोफोन, तो होपफुली आपको अच्छा खासा साउंड का आइडिया हो गया एग्जैक्टली कौन से फोन से आप कितना अच्छा साउंड रिकॉर्डिंग कर पाएंगे एट द टाइम ऑफ वीडियोग्राफी। और बीच बीच में मैं साउंड को स्विच कर रहा हूँ तो कुछ इस प्रकार का वीडियो ले पाएंगे फ्रॉम द रियर कैमरा एज यू कैन सी। ये आपका रियर कैमरा सैंपल लो लाइट में, जैसे आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार का वीडियो ले पाएंगे फ्रॉम लो लाइट। रास्ते में बहुत नॉइजी क्राउडेड है और जो साउंड आपका हो रहा है इंटरनल माइक्रोफोन, तो होपफुली आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप का साउंड आपको मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ वीडियोग्राफी इज कंसर्न और स्टेबलाइजेशन इज कंसर्न, कुछ इस प्रकार का आपको मिलेगा अगर आप चलते चलते लेते हैं। अगर मैं थोड़ा बहुत जोर से चलता हूँ तो कुछ इस प्रकार का आपको स्टेबलाइजेशन मिलेगा जैसे आप देख पा रहे हो। सो लेट मी शो यू अराउंड एग्जैक्टली क्या क्या है, तो कुछ इस प्रकार कह जाए।
तो अगर थोड़ा बहुत चलते चलते वीडियो लेते हैं कुछ इस प्रकार का वीडियो आएगा तो आपका आइडिया हो जाएगा स्टेबलाइजेशन किस प्रकार से मिलेगा दोनों फोन में। अभी बात कर लेते हैं सेल्फीज के बारे में। ये जो कुछ सेल्फीज लिया गया ये मैंने लिया है आपका फ्रंट कैमरा के पोर्ट्रेट मोड से, दोनों का फोटो काफी बढ़िया आया है। लेकिन एक्चुअली रियलमी 2 प्रो में आपको बहुत ज्यादा मतलब वाइटिश कर देता है फेस को, हालांकि मैंने ब्यूटिफिकेशन मोड ऑफ करके लिया है तो दोनों फोटो काफी बढ़िया है। जहां पर थोड़ा हाई वाइटिश लग रहा है रियलमी 2 प्रो में, पोको फोन में लग रहा है हल्का सा रेडिश टिंट, लेकिन दोनों फोटो काफी बढ़िया आया है। ये वाला दूसरा फोटो है लेकिन यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा। जहां पर पोको फोन में आपको मिलता है काफी बढ़िया एज डिटेक्शन, लेकिन अगर आप रियलमी 2 प्रो का फोटो देखते हैं वहां पर आप जैसे देख पा रहे हो चश्मा के साइड में एज डिटेक्शन उतना अच्छा नहीं है। मतलब इन कंपेयर टू पोको फोन का फोटो इसमें एज डिटेक्शन उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। इस फोटो में भी जैसे आप देख पा रहे हो पोको फोन का फोटो काफी बढ़िया निकल के आया है, लेकिन रियलमी 2 का वही एक सेम दिक्कत है जो एज डिटेक्शन है स्पेशली बाल के आसपास, उस जगह पर सही और एक्यूरेट नहीं है। ये जो दो फोटो देख पा रहे हैं ये आपका लिया गया है नॉर्मल मोड में, मतलब यहाँ पर कोई भी पोर्ट्रेट मोड इस्तेमाल नहीं किया गया, जहां पर दोनों फोटो काफी अच्छा निकल के आए। लेकिन पोको F1 का जो पिक्चर क्लैरिटी है मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर है, लेकिन रियलमी 2 प्रो का भी फोटो काफी बढ़िया आया है। ये रहा आपका और एक एग्जांपल, जैसे आप देख पा रहे हो दोनों का फोटो क्लैरिटी काफी बढ़िया है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फोटो एक्चुअली आउट ऑफ द लॉट, और यहाँ पर मुझे लगता है पोको F1 का जो फोटो है काफी बढ़िया आया है इन कम्पेयर टू रियलमी 2 प्रो। और कलर रिप्रोडक्शन और नेचुरल अगर कलर आप बोलते हो वो पोको F1 में काफी बढ़िया आया है। रियलमी 2 प्रो का फोटो क्या है ना, थोड़ा हल्का सा येलो सा हल्का सा टिंट आपको नजर में आएगा इन कम्पेयर टू पोको F1। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्रंट कैमरा सैम्पल। मुझे लगता है दोनों फोन का जो फ्रंट कैमरा है काफी बढ़िया काम किया है, लेकिन एज डिटेक्शन के मामले में मुझे लगता है पोको F1 का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर है इन कम्पेयर टू रियलमी 2 प्रो। ये जो दो फोटो है ये आपका लो लाइट कंडीशन में लिया गया, मतलब आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में लिया गया। यहाँ पर दोनों फोटो काफी बढ़िया निकल के आया है, कलर रिप्रोडक्शन भी काफी बढ़िया। अगर जूम करके आपको दिखाते हैं यहाँ पर रियलमी 2 प्रो में आपको मिलता है थोड़ा सा बेटर डिटेलिंग एंड कंपेयर टू पोको F1। ये दोनों फोटो हल्का सा जूम करके लिया गया है, जहां पर पोको F1 में मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी मिलता है इन कंपेयर टू पोको F1। ये दोनों फोटो जूम करके लिया गया है, ये दोनों फोटो हल्का सा जूम करके लिया गया है, और जहां पर पोको F1 का फोटो मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है इन कंपेयर टू रियलमी 2 प्रो इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स एज कंसर्न, आई थिंक कलर रिप्रोडक्शन और दोनों फोन फोटो का जो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी गुड। ये जो दोनों फोटो लिया गया ये हल्का सा जूम करके लिया गया, जहां पर मुझे लगता है दोनों फोटो काफी बढ़िया है। खाली डिटेल के मामले में मुझे लगता है पोको F1 के फोटो में थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग आपको मिलता है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ लो लाइट शॉट, और मुझे लगता है दोनों फोटो काफी बढ़िया है। ये दोनों फोटो को कंपेयर करना काफी मुश्किल है, बोथ द फोटो कम्स आउट रियली वेल। ये फोटो भी काफी बढ़िया निकल के आया है यहाँ पर, तो ये दोनों फोटो भी लगभग सेम है, कंपेयर करना लगभग इम्पॉसिबल है दोनों फोटो के अंदर। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट शॉट, मुझे लगता है दोनों फोटो काफी बढ़िया है। लेकिन अगर मुझे पिक करने के लिए बोला जाए आई विल पिक रियलमी 2 प्रो का फोटो, क्योंकि मुझे लगता है इसमें आपका शार्पनेस और डिटेलिंग थोड़ा सा बेटर इन कम्पेयर टू पोको F1। ये आपका कुछ लो लाइट सेल्फी शॉट्स, जहां पर पोको F1 का फोटो थोड़ा सा डल लग रहा है लेकिन डिटेलिंग काफी अच्छा लग रहा है। जहां पर रियलमी 2 प्रो का फोटो थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है लेकिन वही थोड़ा चाइना चाइना लगता है एक्चुअली जब भी मैं फोटो उठा दो, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कुछ ब्यूटिफिकेशन ऑन हो जाता है, तो ब्यूटिफिकेशन ऑन करके मैं आपको बताऊंगा फोटो आप ना उठाओ तो अच्छा आएगा। दिस इज अनदर एग्जाम्पल जहां पर आपको साफ साफ नजर में आ रहा है दोनों फोटो का जो क्लैरिटी या फिर परफॉर्मेंस है एकदम डिफरेंस है। एक में आपका आता है एकदम व्हाइटिश, दूसरे में आया है आपका एकदम येलोइश, तो दोनों फोटो मुझे एक भी पसंद नहीं आया। ये दोनों फोटो आपका लगभग सेम है, जहां पर रियलमी 2 प्रो में आपको मिलता है हल्का सा व्हाइटिश और रेडिश टिंट, जहां पर येलो टिंट आपको नजर में आता है पोको F1 में, बट दोनों फोटो बहुत ही अच्छा आया है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, और ये सभी फोटोज जो आपने देखा लास्ट 3-4 फोटो ये सभी है आपका नॉर्मल मोड में लिया गया है। अभी ये आपका सेल्फी पोर्ट्रेट फोटो है, यहाँ पर मुझे लगता है नो डाउट पोको F1 का फोटो काफी बेटर आया है, एक्सपोजर लेवल काफी अच्छे से मैनेज किया है और ओवरऑल फोटो क्वालिटी कम्स आउट प्रीटी वेल। हल्का सा येलो सा टिंट है, थोड़ा बहुत येलो लाइट्स था आसपास, लेकिन इतना भी येलो नहीं था जितना फोटो में दिखाई दे रहा है। जहाँ पर रियलमी 2 प्रो का अगर फोटो देखा जाए डिटेलिंग के मामले में उतना बढ़िया नहीं है, एक्सपोजर लेवल भी उतना अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है, थोड़ा व्हाइटिश लग रहा है एक्चुअली, तो नेचुरल कलर के हिसाब से नो डाउट पोको F1 का फोटो बेटर है। दिस इज अनदर एग्जांपल, इसमें दोनों फोटो आपका अच्छा है, अगर हम कलर टोन छोड़ देते हैं तो बोथ द फोटो कम्स आउट रियली वेल।
दिस इज अनदर फोटो, ये फोटो भी आपका काफी बढ़िया है और डीएलएस के मामले में दोनों कैमरा काफी अच्छे से परफॉर्म किया, लेकिन जैसे आप देख पा रहे हो कलर टोन दोनों कैमरा का एकदम डिफरेंस है। ये कुछ शॉट्स है आपका रियर कैमरा का जो पोर्ट्रेट मोड में लिया गया, नो डाउट अबाउट दैट पोको फोन का जो रियर कैमरा परफॉर्मेंस है स्पेशली इस फोटो में काफी बढ़िया है। हालांकि रियलमी 2 प्रो का जो आपका टी शर्ट का कलर है काफी नेचुरल लग रहा है, थोड़ा व्हाइटिश है फेस में और ऊपर का जो स्काई या फिर बैकग्राउंड लाइट है वो उतना डिटेल के साथ नहीं आया है, थोड़ा बहुत हल्का सा व्हाइटिश लग रहा है, मतलब हेजी काइंड ऑफ लग रहा है। लेकिन पोको फोन का जो फोटो जैसे आप देख पा रहे हो सभी कुछ काफी कंप्लीट है, खाली मुझे लगता है टी शर्ट का कलर थोड़ा सा डल आया है इसमें। अभी आप सोच रहे और कोई पोर्ट्रेट वाला फोटोज क्यों नहीं है लो लाइट में, क्योंकि लो लाइट में उठा नहीं पाया भाई, दोनों में दिक्कत यही है कि थोड़ा सा लो लाइट होने से ही फोटो नहीं आता है। अनफॉर्चुनेटली ये वाला आ गया, मतलब लकीली ये वाला आ गया, बट बाकी और फोटो में उठा नहीं पाया। सो गाइस जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपका फ्रंट कैमरा सैंपल, दोनों कैमरा से आप फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और जो साउंड रिकॉर्डिंग हो रहा है विच इज फ्रॉम द इंटरनल माइक्रोफोन, ये आपका ईएम बाईपास है पाटुली एरिया कोलकाता में, काफी हैपनिंग प्लेस है एक्चुअली, और वीडियो इस प्रकार से आप ले पाएंगे। और उसके साथ साथ मैं साउंड बीच में आकर स्विच कर रहा था, आपको पता चलेगा एक्चुअली बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत गाना बज रहा है तो आई डोंट नो आपको कितना अच्छा साउंड मिल रहा है, लेकिन अगर आप आउटडोर में डेलाइट कंडीशन में अगर आप वीडियो लेंगे तो कुछ इस प्रकार का वीडियो आएगा। सो लेट मी टेक यू लाइक दिस, जैसे पीछे देख पा रहा हूँ विश्व बांग्ला दीदी तो कुछ इस टाइप का वीडियो आप ले पाएंगे फ्रॉम द फ्रंट कैमरा। तो गाइस ये आपका फ्रंट कैमरा सैम्पल जो लो लाइट में, ये अभी आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में है, जैसे आप देख पा रहे हो पोको फोन में थोड़ा येलोइश लग रहा है और यहाँ पर थोड़ा व्हाइटिश लग रहा है विच इज रियल मी 2 प्रो में, तो अलग अलग है, पता नहीं है ऐसा क्यों लगता है बट ऐसा ही कुछ है। तो ये है आपका फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग और सेम जगह है जैसा मैंने डे लाइट का था, तो यही सब जगह है, तो कुछ इस टाइप का वीडियो ले पाएंगे। क्लैरिटी के मामले में मुझे लगता है पोको फोन का क्लैरिटी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, चलो मेरे सर पे देखो मतलब 48 में देखो कितना पसीना है और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, जिनको इसी प्रकार का आपको वीडियो मिलेगा फ्रॉम द फ्रंट कैमरा। सो गाइज ये था आपका डिटेल कैमरा कंपैरिजन बिटवीन पोको F1 एंड रियलमी 2 प्रो। पर्सनली मुझे लगता है एट द प्राइस ऑफ 20,000 रुपीज, इट मीन 21,000 रुपीज, पोको F1 इज हैविंग वन ऑफ द बेस्ट कैमरा इन द मार्केट, एंड इफ यू टॉक अबाउट एट द प्राइस ऑफ 14,000 रुपीज आई थिंक रियलमी 2 प्रो इज हैविंग ए वेरी गुड कैमरा। सो दोनों कैमरा कंपैरिजन जैसे अलग अलग प्राइस सेगमेंट है तो करना तो उतना लाइक फेयर बनता नहीं है, फिर भी जैसे बहुत किसी से रिक्वेस्ट मिला था इसीलिए मैंने किया, बट मुझे लगता है अगर आपके पास 21,000 बजट है डेफिनेटली गो फॉर पोको फोन, बट इफ यू आर हैविंग अ बजट ऑफ अंडर 15,000 रुपीज आई थिंक रियलमी 2 प्रो इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन गोइंग टू अवेलेबल इन द मार्केट फ्रॉम 11th of October। तो अगर आपको ये वाले वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ फ्रॉम डैड, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।